YouTube ऐप में वीडियोस को सेव करने के लिए डबल टैप पसंद है क्या? आप जानते हैं आप स्वाइप भी यूज कर सकते हैं वीडियोस को सेव करने के लिए इवन इन YouTube ऐप। तो YouTube ऐप के कुछ ऐसे ही सेटिंग्स और फीचर में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सो स्टिक टू द वेरी एंड। ये मीडिया कंट्रोल्स जो कि नेटफ्लिक्स के मीडिया कंट्रोल जैसे लग रहे हैं, आप इन्हें भी इनेबल कर सकते हैं इवन इन ऑफिशियल YouTube ऐप। तो आपको जाना है YouTube सेटिंग्स में, टैप करना है एक्सेसिबिलिटी पे और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इनेबल एक्सेसिबिलिटी प्लेयर, तो उसे इनेबल कर दीजिए। तो डेस्कटॉप पे जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं और वहाँ पे जो सीक बार होता है उस पे कर्सर को होवर करने पे आपको एक प्रीव्यू दिखता है। क्या आप जानते हैं ये प्रीव्यू आप अपने स्मार्टफोन में भी देख सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर आपको किसी एग्जैक्ट पोजीशन पे जाना है, एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है किसी वीडियो की। तो ये प्रीव्यू देखने के लिए आपके स्मार्टफोन के यूट्यूब ऐप में जो सीक बार है आपको उस पर टैप एंड होल्ड करना है, तो ये प्रीव्यू आपको वहाँ भी दिख जाएगा। या फिर आप स्क्रीन पे कहीं भी टैप एंड होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे स्वाइप टू सीक के ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे और इसके साथ ही यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा जिस पोजीशन पे आपको स्किप करना है। जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं हम में से काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो के साथ आते हैं, जिनमें से कई बार ऐसा होता है कि हम जो वीडियो देखते हैं YouTube ऐप में हमें जूम करनी पड़ती है। तो क्यों ना ऐसा हो कि जब भी हम कोई वीडियो ओपन करें वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाए, हमें मैन्युअली ना करने पड़े, और ऐसा आप कर सकते हैं। आपको जाना है सेटिंग्स में और जनरल में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जूम टू फिल स्क्रीन, इसे इनेबल कर दीजिए और ये ऑप्शन आपको उन डिवाइसेस में देखने को मिलेगा जो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ नहीं आते, 18:9 या फिर 20:9 जो भी एस्पेक्ट रेशियो है आपका, उन डिवाइसेस में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इससे होगा क्या, जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगी आपके एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से, जो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो है। तो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा ये फीचर और मैंने ऑन कर रखा है, क्योंकि चाहे मैं 16:9 वीडियो देखूं या कोई भी वीडियो देखूं मुझे वो जूम करनी पड़ती है, तो अब ऑटोमेटिकली जूम हो जाती है वो वीडियो, तो मुझे तो काफ़ी कन्वीनियंट लगा। फ्रस्ट्रेटेड हो इन वीडियोस से जो ऑटोमेटिकली प्ले होती रहती है फीड में बट यू डोंट नो हाउ टू टर्न देम ऑफ, मैं आपको बता देता हूँ। YouTube सेटिंग्स में जाइए, जनरल का ऑप्शन होगा वहाँ पे टैप करिए और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेबैक इन फीड, उस पर टैप कर दीजिए और यहाँ से आपको चूज़ करना है ऑफ। तो डेस्कटॉप में अगर आप YouTube यूज़ करते हैं तो जब भी किसी वीडियो पे अपना कर्सर होवर करेंगे तो ये मिनी प्लेयर टाइप यहाँ पे पॉपअप होगा, जहाँ से आप वीडियो को सेव कर सकते हैं वॉच लेटर में और थोड़ा बहुत प्रीव्यू ले सकते हैं वीडियो का, डिसाइड करने के लिए कि ये वीडियो देखने लायक है या फिर नहीं। इवन यहाँ से कैप्शंस भी आप टॉगल कर सकते हैं। और क्या आप जानते थे कि YouTube ऐप में भी आप इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर सकते हैं? नहीं जानते थे तो अब देख लीजिए, इनकॉग्निटो मोड यहाँ पे YouTube ऐप में भी यूज़ किया जा सकता है। तो बस ये थे YouTube ऐप के कुछ फीचर्स और सेटिंग्स जो मुझे लगता है कि हर किसी को पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता था तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, या फिर आप कोई ऐसा फीचर या सेटिंग जानते हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई और लोगों को पता होनी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोज़ मैं लाऊं अलग अलग ऐप से रिलेटेड तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ मैं साइन अप करूंगा आज की वीडियो। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।